नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। लेसन नंबर 14, अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। यहाँ माध्यम दो हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम जिसमें कण बिल्कुल पास पास होते हैं, और विरल माध्यम जिसमें कण कुछ दूर दूर होते हैं। जैसे एक तरफ हम कांच और एक तरफ हम पानी लेंगे, तो कांच में कण बहुत पास पास होंगे, तो कांच का माध्यम सघन हो जाएगा और जल का विरल हो जाएगा, क्योंकि द्रव में कण कुछ दूर दूर होते हैं। इसी प्रकार अगर हम द्रव और वायु लेते हैं, पानी और वायु लेते हैं, तो पानी में कण कुछ पास होंगे और वायु में कण बहुत दूर दूर होंगे, तो पानी उस समय सघन माध्यम हो जाएगा और हवा हो जाएगी विरल माध्यम। तो दो माध्यम होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो जब अपवर्तन पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी वस्तु अगर हमको दिखाई देती है, तो सबसे पहले उस वस्तु के ऊपर प्रकाश गिरता है और वहाँ से परावर्तित होकर हमारी आँखों में आता है। हम किसी भी वस्तु को अगर देखते हैं, तो प्रकाश की किरणें पहले उस वस्तु के ऊपर गिरेगी और वहाँ से टकरा कर हमारी आँखों में आएगी और उस वस्तु का चित्र हमारी आँखों में बनता है। ये बात इस अपवर्तन वाले टॉपिक में बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, चाहे सघन से विरल में या विरल से सघन में आती है, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने पथ से विचलित हो जाती है या अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे कहते हैं अपवर्तन। जैसे पहला प्रश्न आता है, इसमें पानी में रखी हुई पेंसिल हमें टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? हम एक कांच का गिलास लेंगे, उसको आधा पानी से भर देंगे और उसमें पेंसिल रख देंगे या पेन रख देंगे, तो हमको जो आधा भाग होगा वो टेढ़ा मुड़ा हुआ हमको दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो पानी में रखी हुई पेंसिल हमको अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखाई देती है। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि कोई भी वस्तु अगर हमको दिखाई दे रही है, तो पहले प्रकाश की किरण उस वस्तु के ऊपर जाती है और वहाँ से टकरा कर वापस हमारी आंखों तक आती है। पेंसिल पानी में डूबी हुई है, हमको वो पेंसिल दिखाई दे रही है, इसका मतलब पहले प्रकाश की किरण पेंसिल के ऊपर जा रही है और उसके बाद हमारी आंखों तक आ रही है। तो पेंसिल पानी में डूबी हुई है, वो माध्यम होगा सघन, और बीकर के या पानी की जो सबसे ऊपरी सतह है, वहाँ से लेकर हमारी आँखों के बीच हवा है, तो ये माध्यम होगा विरल। तो यहाँ पर पानी में रखी हुई पेंसिल टेढ़ी अपवर्तन के कारण दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ प्रकाश की किरण सघन माध्यम अर्थात जल से निकलकर विरल माध्यम अर्थात हवा में प्रवेश करती है और फिर हमारी आँखों में आती है, तो वह अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये याद रखना कि पानी में रखी पेंसिल टेढ़ी अपवर्तन के कारण दिखाई देती है और प्रकाश की किरण सघन माध्यम जल से विरल माध्यम हवा में प्रवेश करती है, तो अपने अभिलंब से दूर हट जाती है अर्थात अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस कारण पानी में रखी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है और पानी में रखा हुआ सिक्का भी कुछ ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। तो दोनों का एक ही उत्तर है, ध्यान रखना। अगला आता है तारों का टिमटिमाना। तारे आसमान से तारों का प्रकाश हमारी आंखों तक आता है, लेकिन हम यह जानते हैं कि वायुमंडल में 6 परतें होती है। कितनी परतें होती है वायुमंडल में? 6, याद रखना। वायुमंडल में अलग अलग घनत्व की परतें पाई जाती है और तारों से आने वाला प्रकाश इन परतों में से होकर आता है, तो इन सभी परतों का घनत्व अलग अलग है, इसलिए कभी एक तारे का प्रकाश तो कभी दूसरे तारे का प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए हमको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविकता में तारे कभी नहीं टिमटिमाते हैं। तो वायुमंडल में हमारे अलग अलग घनत्व की परतें पाई जाती है और तारों का प्रकाश इन परतों से होकर आता है, जिस कारण हमको अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न आता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब होता है रंग और विक्षेपण का मतलब होता है बिखरना, रंग का बिखरना। हम एक प्रिज्म लेंगे और उस प्रिज्म में से अगर कोई श्वेत प्रकाश की किरण गुजर रही है, प्रकाश की किरण जा रही है,
अगर किसी प्रिज्म में से हम सफेद प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो वह श्वेत प्रकाश सात रंग में बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं बैंगनी आह पीनाला, बैंगनी नीला आसमानी पीला हरा लाल ऐसे कहते हैं हम। तो जब श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म में से गुजारते हैं, याद रखना जब श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो वह प्रकाश की किरण सात रंगों में बट जाती है, विभक्त हो जाती है, उसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वह सात रंगों में बढ़ जाती है, इसे हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। तो ये अपवर्तन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है और उसके बाद ये है। इसी पाठ में आपके आता है दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती लेकिन पास की दिखाई देती है, ये ध्यान रखना। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती लेकिन पास की वस्तु उसको दिखाई देती है, और इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मे का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का। ऐसा ही एक और दोष होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष इसमें व्यक्ति को पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है लेकिन दूर की वस्तु उसको बहुत आसानी से दिखाई देती है, इसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष कहा जाता है, और इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु उस व्यक्ति को दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु उसको दिखाई नहीं देगी, लेकिन दूर दृष्टि दोष में उसको दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु उसको दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं, इसी में से प्रश्न आएंगे, हो सके तो आप आँख वाला प्रश्न भी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थैंक यू वेरी मच।